इन्नल्लाह अमरुकुम अन तुअद्दुल अमानात इला अहलिहा वैजा हकम तुम बैनन्नास अन तहकुमू बिल अदल इन्नल्लाह नेमा याइज़ुकुम बिह इन्नल्लाह काना समीअन बसीरा या अय्युहल्लज़ीना आमनू अतीउल्लाह व अतीउर्रसूल व उलिल अम्रि मिनकुम फ़इन तनाज़अतुम फ़ी शय्इन फ़रुद्दूहु इलल्लाहि वर्रसूलि इन कुंतुम तुमिनूना बिल्लाहि वल यौमिल आखिर ज़ालिका ख़ैरुन व अहसनु तअवीला। इंसान को अल्लाह ताला ने मुतमद्दन जानवर पैदा किया, मिलजुल कर ज़िंदगी बसर करने वाला ये इंसान, इसीलिए आबादियाँ बनाता, शहर बनाता, एक दूसरे से रवाबत होते हैं, कोई कुछ काम करता, दूसरा कुछ काम करता, मिलजुल कर ज़िंदगी का सारा कारोबार चल रहा। सारी दुनिया सारे काम नहीं कर सकती, कोई किसी शोबे को संभालता, कोई दूसरा काम अपने ज़िम्मे लेता, एक को दूसरे की ज़रूरत है, मिलजुल कर इंसान रह ले, सोशल एनिमल है। अब इस तमद्दुन के लिए हुकूमत भी ज़रूरी है कि लोग रहेंगे, और जबकि ये मुख्तार हैं, मजबूर नहीं हैं, कुछ अच्छाई करेंगे कुछ बुराई करेंगे, देखते हैं कि कुछ लोग शरीफ हैं कुछ बदमाश भी। तो अब नज़म कायम के रखने के लिए कि बिगाड़ बढ़ ना जाए, बिगाड़ तो रहेगा, आखिर इंसान है, फरिश्तों ने कहा था कि ये खून रेजी करेगा, फसाद करेगा, तो अल्लाह ताला ने ये नहीं कहा कि नहीं करेगा, सिर्फ ये कहा कि मैं जानता हूँ ये तुम नहीं जानते। इसके लिए जो इंतज़ाम किया जा सका वो तो किया जाएगा, किताबें उतारी जाएंगी, रसूल आएंगे, हुकूमत बनेगी, बाकी इसके बाद भी लोग बिगड़े रहेंगे तो फिर खुद ही नतीजा देख लेंगे दोज़ख। तो ये मुतमद्दन ज़िंदगी के लिए जो खिलाफत है, हुकूमत, इसके बगैर चारा नहीं। आज तक कोई ऐसा माशरा नहीं दुनिया में पैदा हुआ ना कहीं है कि उसमें कोई हुकूमत ना, हुकूमत तो है किसी तरह की, वो ख़ानदान में कोई कबीले का सरदार हो, कोई महल्ले का चौधरी, बहरहाल इंतज़ाम कायम रखने के लिए ये राई और रया का सिलसिला जारी है, कुछ हाकिम हैं कुछ उनकी रईयत है। तो अब अल्लाह की किताब ने इस बारे में भी हमें हिदायतें दी हैं ताकि लोग अपनी ज़िंदगी को दुरुस्त रख सकें, सही पटरी पर ये गाड़ी चलती रहती। तो इस सिलसिले में जो बात अल्लाह ने कही है ना यहाँ, और ताकीद के साथ कही है सूरह निसा, इन अल्लाह यामुरुकुम, बेशक अल्लाह तुम्हें हुक्म देता, कोई अपील नहीं करता, कोई तुम्हारे सामने मिन्नत समाज नहीं, कि हुक्म देता, वो मालिक है कायनात का, बेशक, ताकीद के साथ ये बात कही, यामुरुकुम उसका ये ताकीदी हुक्म है, इसको अगर छोड़ोगे खराबियाँ खराबियाँ, फिर नहीं मसले हल होंगे, चीखते चिल्लाते रहोगे। मसला ये है कि अन तुअद्दुल अमानात इला अहलिहा, ये सारे निज़ाम को तमद्दुन को सही रखने के लिए एक ही कलीदी बात कि अमानत जो है वो जो लोग उसके अहद हकदार हैं उनके सपुर्द करो। ये एक नुस्खा है जो सारी ज़िंदगी के लिए, इसका सिर्फ ये मतलब नहीं कि ये आवाम से राय पूछी जा रही है इंतखाब तो सिर्फ उसमें नेक लोगों को वोट दो, ये भी इसमें शामिल है, ये भी एक इसका हिस्सा है, मगर असल में ये बात है कि जो काम जिसके करने का है ना वो उससे लो। अगर इलाज कराना चाहते हो तो ये भी दानाई की बात, अकल की, और दीन भी ये कहता है कि ऐसे आदमी से इलाज कराओ जो इल्म तिब का माहिर है। और इसीलिए अल्लाह के रसूल अलैहि सलाम ने देख लें साफ फरमाया, फमन तबा, तबीब नहीं है, कोई टिब नहीं उसने पढ़ी, राज मालदा नहीं जानता, मगर लोगों का इलाज करता। तो फरमाया उसके हाथ से अगर कोई मर जाए तो उससे दियत वसूल की जाएगी, ये नहीं उसको छुट्टी नहीं मिलेगी उस डॉक्टर से, उस हकीम से, बाकायदा खून बहा, एक आदमी की जो खून की रकम है ना 100 ऊंट, ये लेकर वारसों को दी जाएगी कि तुम जो काम जानते ही नहीं थे क्यों संभाली। यानी कैसी बुनियादी बात है, एक शख्स में वो मेरिट ही नहीं है, सलाहियत ही नहीं, वो लायक ही नहीं, क्यों वो काम करें। इसीलिए रसूल करीम अलैहिस्सलाम से जब एक शख्स ने पूछा कि अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम मतसा क़यामत कब है, तो थोड़ी देर हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खामोश रहे, फिर आपने कहा कि जो क़यामत है ना सारी कायनात की, कि एक दिन दुनिया तबाह होगी, उसकी बात छोड़ो, जो क़यामत मुआशरों पर आती है ना, बस्तियों पर आती है, हा? उसकी बात करो जो भुगतते हो तुम, इज़ा ज़ुय्या तेरा माना व वुस्सत अल अमर इला गैर अहलिहा फंतज़िर सा, जब अमानत बर्बाद हो जाती है, जो
काम जिस आदमी का उसके सुपुर्द नहीं किया जाता, वह उससे दलामर ला कह रहे हल्या, और मामले उन लोगों के सुपुर्द कर दिए जाते हैं जो उस काबिल नहीं हैं, फिर तो इंतज़ार करना क़यामत का। यही हुआ मुसलमानों के साथ कि जिस मनसब पर शैखैन जैसे लोग बैठे रज़ी अल्लाह तआला, अबू बकर उमर जैसे, हजूर की नियाबत कि नबी जो काम करता था नबी के मिसल, भैया उसमें अक्स तो वो जब बर्बाद हो गया, नालायक और नायर लोग जो मसलन पर बैठ गए, मुसलमान ही कहलाते थे, मगर ना उनके पास वो इल्म था, ना तकवा था, ना खुदा तरसी थी, सारा काम बर्बाद होकर रह गया। आप अपनी तारीख का अगर खुलासा निकालें इतना ही कि वो खलीफे जो थे उनकी बजाय मलिक आ गए बादशाह, उन्होंने मुल्क भी फतह किए, बहुत काम किए, मगर जाहिर बात है कि वो खिलाफत नबूवत नबी की जानशीनी नहीं कर सकते, चंगेज़ खां हलाकू की तरह वो मुल्क फतह कर सकते, मगर जो काम नबी करता था कि लोगों की ज़िंदगियों को तब्दील किया जाए, नेक बना, ये वो करने की काबिल ही नहीं थे, सलाहियत ही नहीं थी। तो रसूल करीम अलैहिस्सलाम ने बना, तुम पूछते हो क़यामत कब आएगी, क़यामत का इंतज़ार करना उस वक्त क्या जाएगा, तबाह हो जाएगा सब कुछ, जब अमानत ज़ाय हो जाएगी और काम उन लोगों के स्पर्द हो जाएगा जो उसके हल ने, और दीन भी जो बर्बाद हुआ, सिर्फ हुक्मरानों की बात, दीन भी इसलिए बर्बाद हुआ कि ऐसे लोग दीन सिखाने के लिए आगे आ गए जिन्हें खुद नहीं पता कि दीन क्या। रसूल करीम अलैहिस्सलाम ने जब फरमाया कि अल्लाह ताला इस तरह नहीं इलम दे जाता वापस उम्मतों से कि किताबें उठा ली जाती हैं, किताबें तो उसी तरह रहती हैं उनके पास, सच्चे आलम मर जाते हैं जो लायक होते हैं ध्यान वो नहीं रहते, लोग जाहिलों को अपने सरदार बना लेते हैं, वो खुद गुमराह होते हैं, लोगों को गुमराह करते हैं। ऐसे ही समझ लें कि जिस शख्स को पता ही नहीं ड्राइविंग का, बेचारे को खबर ही नहीं कि इस गाड़ी के पुर्जे क्या, किस तरह इसको चलाना, कहाँ रोकना, कहाँ मोड़ना, उसको ड्राइविंग सीट पर बिठा दिया जाए तो इसको समझने के लिए ज़्यादा अकल की ज़रूरत है, बर्बाद हो जाएंगे, थोड़ी दूर तक वो किसी हादसे का शिकार कर देगा सवारियों को। इससे भी ज़्यादा ख़तरनाक काम यह है कि जो आदमी किसी काम का अहल नहीं, बेशक वो हुकूमत का मनसब है, बेशक वो स्कूल की मदरसी है, किसी मस्जिद की इमामत और खिताबत है, जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तुम काम उसके हवाले कर दोगे जो उस काम को समझता ही, उसके अंदर उस इतनी काबिलियत ही नहीं, बर्बाद हो गए। अब भी जो चल रहा है कि लोग कहते हैं इज्तिहाद, दीन की एक इस्तराह को इस्तेमाल कर रहे हैं, वही बात के गैर है लोगों के हवाले कर लो, सारा टीवी और जो जानना, भाई इज्तिहाद होना चाहिए, इज्तिहाद कौन करें, जो नमाज भी पाँच वक्त नहीं पढ़ते, जिनकी ज़िंदगियों में तकवे का नामो निशान नहीं, वो आप भी गंदे हैं, लोगों को भी गंदी तालीम देते, वो चाहते हैं कि हमें छुट्टी दे दे जाए कि हम चीर पाड़ करके ना इस्लाम का नया ही हुलिया बना दें जिसमें औरतें बेपर्दा हों, गाने हों, एक दूसरे से चाना बजाना बैठें, ये इत्तेहाद नाम रखते हैं। और इसी को अल्लामा इक़बाल रहमतुल्लाह ने फरमाया, इस पर एक पूरी उन्होंने फसल लिखी है कि जब उम्मत को जवाल आ जाए तो बजाय इत्तेहाद के तकलीद लाजमी, देखें ये उसको कहते हैं उसका बेटा भी इत्तेहाद है, उससे पूछें जिसकी उम्र गुजरी थी, उसने सारी इल्म बसीरत के बाद नतीजा ये निकाला कि इत्तेहाद उस वक्त अच्छा होता है जब कौमें जिंदा होती हैं, उनके आलम जो है ना वो दीनदार होते हैं, दीन पर चलाना चाहते हैं, जब इसमें लाल आ जाए, कमज़ोरी आ जाए, बेड़ा गर्क हो जाए और बहाने तराशे जाए कि दीन का नाम लेकर दीन से जान छुड़ाने की बात नहीं, ये इत्तेहाद आलमान कम नज़र इक्तदा बर्रफ़ जहाँ तस्लीम करा, कहता यार उस जमाने में जब बेड़ा गर्क हो जाए खुदा का नाम लो, इत्तेहाद का नाम ना लेना, ये जालम ड्राइवर बर्बाद कर लें, उस वक्त जो पहले गुजरे हैं ना उनके पीछे चलते रहो, उनकी तकलीद करो, राह आबा रो के जमीतस माना है तकलीद जब पे मिलत है। अब हर बेवकूफ़ कहता तकलीद नहीं होनी चाहिए, भाई तकलीद तो करनी है, पहलों की करेंगे आप करें, सारी दुनिया जैसे मैंने कहा आर्मी नहीं बन सकती, सारे डॉक्टर नहीं बन सकते, हाँ सारे ड्राइवर नहीं बन सकते, अल्लाह ने ऐसे ही तकसीम किया को कोई काम करे कोई काम करेगा, तो जाहिर बात है कि जो दीन नहीं जानते या उनके पास वक्त नहीं पड़े हैं और ज़िंदगी इस पर नहीं वो सर्व कर सके, किसी आलम पर एतमाद करेंगे, कोई साइंसदान पर करेगा, कोई डॉक्टर पर करेगा, एतमाद तो करना पड़ेगा। अब किन पर एतमाद किया जाए, बेईमानों पर, झूठों पर, जो थोड़े थोड़े पैसों पर अपना दीन बेचते हैं, हम देखते हैं कि हुक्मरानों को खुश करने के लिए कैसे गलत मसले उनकी करें, या उन लोगों की करें जिनका तकवा, जिनकी खुदा तरसी और जिनके बारे में लोग जानते हैं कि वो बेगरज थे, उन्होंने कोई लालच नहीं किया, जेलों में चले गए, मारे गए, मगर जालिम हुक्मरानों का साथ नहीं, मैंने समाजित करते रहे मंसूर जैसे, जाबिर खलीफे
कि अबू हनीफा सिर्फ तू मस्जिद की ईंटें ही मेरे कहने पर गिनना शुरू कर, मेरा मुलाजम हो जा। इमाम ने कहा ये मेरी तरफ से तायद हो, ये तो लोगों को पता चलेगा कि अबू हनीफा भी साथ देता है, ये हुकूमत ठीक है। जब मैं समझता हूँ कि आपकी बैत जबर से हुई है, उम्मत ने नहीं चुना, आप ज़बरदस्ती बैठे, आप गासिब हैं, जालिम हैं, मैं क्यों साथ। अब ऐसे नेक लोग जो हैं उनको छोड़कर हम इनकी तकलीफ करें कि दीन को बेचते हैं, हर बुराई को जायज़ करने को, सूद को हलाल कर रहा है, कोई ये बेपर्दगी को जायज़ कर रहा है, कोई मौसीकी को डांस को औरतों के साथ गले मिलना, अब इनके पीछे चले। तो कहते हैं राह आबा रोकें जमीयत, जब उम्मत में जलाल आ जाए तो फिर बेहतर है कि नया इत्तेहाद करने से उन पहलों के पीछे चलता रहे, कम से कम इत्तेफाक तो रहेगा। ये तरह तरह की रागनियाँ नहीं होंगी कि हर आदमी की नई दफली और नया राग, कुछ ना कुछ जमीयत तो होगी, एक जगह इकट्ठे रहें, चार इमाम हैं थोड़े से हैं उनके पीछे रहेंगे, जकड़े रहेंगे, उम्मत इतना मुनसर नहीं होगी। और ये कहते हैं कि इमामों ने लोगों को मुनसर नहीं किया, इमाम ख़त्म कर लें और इत्तेहाद का दरवाज़ा जैसा इत्तेहाद ये चाहते हैं, आप देखेंगे एक ही राय दूसरे से नहीं मिलेगी, इंतजार ही इंतजार होगा। तो कहते हैं जाने दे इस इत्तेहाद को, जिनका काम था उनके सुपुर्द कर, उन्होंने इत्तेहाद अगर किया और उम्मत ने माना और अब तक उनका अदब हो रहा, तो वो इस अहल थे, उन्होंने अपना खलूस अकवा साबित कर दिया था, ये दीन बेचने वाले लोगों से इत्तेहाद कराते। तो मतलब ये दीन का काम हो तब भी अहल के सुपुर्द करो, किसी ऐसे आलम की तरफ जाओ जो अल्लाह से डरता है, दीन बेचता नहीं है। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला ने काबुल अहबार से पूछा कि आलम कौन है, आलम की क्या डेफिनेशन है, किस तरह पता चले, किताबें पढ़ने से, लेक्चर देने से? तो उन्होंने कहा अल्लज़ीना यअमलूना बिमा यअलमून, जो जानते हैं उस पर अमल कर। आलम बामल हो, ये नहीं कि बातें करे, करता हो जो कह रहा। तो उन्होंने फिर पूछा मा अखरजल इल्मा मिन क़ुलूबिल उलमा, आलिमों के दिलों से इलम को कौन सी चीज़ निकाल लेती है, इतने पढ़े जो होते हैं फिर क्यों बेईमान, गारत तमाम लालच, लालच बेईमान कर ले। तो जिन्होंने दीन बेच दिया वो भी तारीख में ऐसे आलम गुजरे मगर जलील हो गए, बाद में उनके नामों के साथ लानत चिमट गई, मगर ऐसे नेक लोग जो मारें खाते। अब देखें ना इमाम मालिक रहमतुल्लाह के बारे में जब लोग लिखते हैं, आप अरबी की किताबें पढ़ें, जो कोड़े उनको पढ़े और जो मारा गया उसके बारे में उलमा का ये अरबी ज़बान के फिक्रे होते हैं कि वो इमाम मालिक के लिए जेवर साबित हो, जैसे किसी जुल्म उनके लिए जेवर होता है, इमाम के लिए वो कोड़े उनका गहना बन, उस मार के बाद वो सारी दुनिया के इमाम बन गए, जिस दिन का खून बहता था, कोड़े बरसते थे। मगर उनका मैं कैसे इन ज़ालिमों के कहने पर कह दूँ कि ये जबरी बैत बैत ना, ये हुकूमत जो कहती है कि ज़बरदस्ती जो हमने वोट लिया ना डंडे के ज़ोर से बैत कहते थे ना, फरमाया कैसे मैं कह दूँ कि ये बैत, बैत तो एक आदमी अपनी आज़ाद मर्जी से किसी को चुना, हुकूमत पर बैठ जाना फिर डंडे के ज़ोर से पूछना ये बैत है, नहीं। और बहाना उन लोगों ने बना लिया तलाक मुकरा का, जब बैत तो जानते थे कि हम जालिम ज़बरदस्ती बैठे, ये मसला शुरू कर दिया कि अगर ज़बरदस्ती किसी से तलाक दिलवाई जाए, तलवार उसके यहाँ रखी जाए, खंजर रखा जाए, क्या दे तलाक, और वो दे दे हो जाती है। जब इमाम अबू इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह से पूछो, जानते थे कि इन्हें तलाक का मसला नहीं दरपेश है, असल में ये है कि जब इनको सरकारी मौलवी ने बताया कि जब बैत लो ना लोगों से तो ये बैत दिल से नहीं करते, ज़बरदस्ती तुम बैत लेते हो, बाद में ये मुकर जाते हैं, ये कहलवाया करो बैत लेते वक्त कि अगर मैं इस बैत से मुनहरिफ हूँ, हुकूमत के खिलाफ हो जाऊँ, तो मेरी बीवियों को तलाक, मेरा सारा माल सदका, मेरे गुलाम आज़ाद, ये सारी मौलवियों ने सिखाई कि ये कस्में इनसे लो इसका। और लोगों ने फिर पूछा इमाम मालिक से कि ये ऐसी तलाक हो जाती, उन्होंने फरमाया कोई नहीं होती, बेशक कह दिया करो इन धार्मिक कहने पर, ना तलाक होगी ना गुलाम आज़ाद, कुछ भी नहीं, ये जुल्म है। अब इमाम साहब रहमतुल्लाह कैसे फिर उन्होंने गलियों और बाजारों में ऊंट पर फिराया और हर चौक में खड़ा करते कोड़े मारते, मगर वो कहते लोगों जो मुझे जानता है वो जानता है, जिसको नहीं पता मैं मालिक हूँ, अनस का बेटा हूँ, मेरे दादा अबू आमिर असबई थे, मेरा सिर्फ ये जुर्म है कि मैं कहता हूँ ज़बरदस्ती जलाई तलाक, कोई तलाक नहीं, मसला बैत का था पीछे, बड़े कोड़े मारे, इमाम साहब के बाजू उखड़ गए और फिर 20 साल तक इमाम मस्जिद नबी में नहीं आए, मस्जिद नबी जहाँ वो दर्श देते थे नहीं आते, और लोग जब पूछते थे कि तुम मस्जिद में इमाम साहब नमाज के लिए नहीं आते, फरमाया हर शख्स लोगों को मुतमइन नहीं कर सकता, मैं अपना उज़र नहीं, यानी ऐसी बीमारियाँ हो गई, ऐसी जिस्मानी तकलीफें हो गई कि मस्जिद में पाक रह नहीं सकते, मगर वो कोड़े उनके लिए गहना साबित, उनकी शान घटी नहीं, वो दुनिया के इमाम बन गए, स्पेन तक उनका मगरब सारे में राज हो गया।
तो काम अल्लाह फरमाता है कि मैं हुक्म देता हूँ कि अमानतें उन लोगों के